हम आपको एक ऐसा विषय बताने जा रहे हैं जिससे जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं, वो है तद्भव और तत्सम। सबसे पहले जानिए तत्सम है क्या। तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् और सम। तत् का अर्थ है उसके, उसके अर्थात संस्कृत के, सम का अर्थ है समान, अर्थात जो संस्कृत के समान शब्द हैं वो तत्सम कहलाते, तत्सम शब्द कहलाते हैं। इसकी परिभाषा मुख्य रूप से ये हुई, किसी भाषा के मूल शब्द को हम तत्सम कहते हैं। ठीक, जैसे अग्नि, हस्त, ये क्या है? तत्सम शब्द है। तद्भव, तद्भव की परिभाषा समझ लीजिए। तद्भव भी दो शब्दों से मिलकर बना है, तद और भव। तद का अर्थ है उससे और भव का अर्थ है उत्पन्न, अर्थात जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं, विकृत रूप में उत्पन्न होकर हमारे हिंदी भाषा में, संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से हिंदी में समाहित हो गए हैं, उन शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि तत्सम शब्द है और इससे उत्पन्न हुआ अग्नि से आग, तो आग ये विकृत रूप में उत्पन्न होकर अपने मूल रूप को खो दिया है और ये तद्भव शब्द बन गया। ठीक इसी तरह से हस्त, हस्त से हाथ, ये हाथ तो हस्त रेखा बोलते हैं, हस्त रेखा से ये हाथ हो गया, हाथ की रेखा, तो हाथ ये क्या है? तद्भव शब्द है और हस्त ये संस्कृत का शब्द है, संस्कृत का शब्द हूबहू हिंदी में समाहित हो गया है। तो आइए हम आपको उन महत्वपूर्ण तद्भव और तत्सम शब्दों को बताने जा रहे हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, जहां सामान्य हिंदी के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे, उन शब्दों के प्रमुख उदाहरण हम आपको बताने जा रहे हैं। तो एक तरफ तद्भव और एक तरफ तत्सम शब्द हैं। तो अंगूठा, अंगूठा का तत्सम होगा अंगुष्ठ। यहां पर अंगूठे में चंद्र बिंदु लगा हुआ है और अंगुष्ठ में एक बिंदी लगी हुई है, तो बिंदी ये अनुसार होता है और अंगूठा में जो चंद्र बिंदु लगा होता है इसको अनुनासिक बोलते हैं। तो जहां पर अनुनासिक शब्दों का प्रयोग होता है वहां नाक और मुख दोनों का प्रयोग किया जाता है, और जहां अनुस्वार होते हैं वहां केवल नाक का प्रयोग किया जाता है। तो इसके उच्चारण में यही अंतर है। अगला उदाहरण अंगूठी, अंगूठी तत्व शब्द है और इसका तत्सम होगा अंगुष्ठिका। तो यहां अंगूठी में चंद्र बिंदु लगा हुआ है, तो जहां चंद्र बिंदु दिखाई दे वो आप बंद करके आप तत्व मान लीजिए, और जहां बिंदी लगी हो केवल वो तत्सम शब्द है। ये खास पहचान है। अगला उदाहरण अखरोट, अखरोट का तत्सम होगा अक्षोट। तो खा यहां छ में बदल जाता है, छत्ती वाला छ, तो जहां छत्र ये वर्ण दिखाई दे वो संस्कृत के वर्ण है और ये हूबहू हिंदी में समाहित हो गए हैं, तो इसको आप आंख बंद करके मान लीजिए कि ये तत्सम शब्द है। अगला उदाहरण अदरक, अदरक का तत्सम होगा आर्द्रक। अगला आंख, आंख का तत्सम होगा अक्षी। आंख में चंद्रबिंदु लगा हुआ है, जहां चंद्रबिंदु लगा हो तो क्या होगा? तद्भव होगा। और छत्री वाला क्ष लगा हुआ है तो ये तत्सम शब्द है, क्योंकि ये संस्कृत का शब्द है, तो छत्री वाला क्ष ख में परिवर्तित हो गया, आंख हो गया। अगला आंवला, तो आंवला में चंद्रबिंदु लगा हुआ है, तद्भव शब्द, इसका तत्सम होगा आमलका। अगला उदाहरण आधीन, आधीन नहीं होता है बल्कि इसका तत्सम होता है अधीन, उसके अधीन है, तो यहां दीर्घ न होकर लघ आ होगा। अगला इतवार, तो इतवार का तत्सम होगा आदित्यवार, आदित्य
सूर्य का पर्यायवाची है तो रविवार बोलते हैं हम, रवि अर्थात सूर्य, आदित्य सूर्य, तो यहाँ तत्सम शब्द होगा इतवार का आदित्यवार। अगला इलायची, इलायची का तत्सम होगा एला। अगला इमली, इमली का तत्सम होगा अम्लिका। अगला ईख, हमने पहले बताया कि खा ये तद्भव शब्द होता है और ये जो तत्सम शब्द तत्सम वर्ण होते हैं खा का छत्ती वाला क्ष होगा, तो ईख तद्भव है और इसका तत्सम होगा इच्छु। अगला उपरोक्त, इसका तत्सम होगा उपर्युक्त। तो ये ज्यादातर लोग गलतियां करते हैं, उपरोक्त कथनानुसार बोलते हैं तो उपरोक्त नहीं होता है, वो अशुद्ध शब्द होते हैं अर्थात तद्भव शब्द होता है, लोग अपनी सुविधा के अनुसार उसको गढ़ लेते हैं। इसका जो तत्सम होगा वो उपर्युक्त होगा और ये शुद्ध शब्द होता है। अगला उंगली, उंगली में चंद्रबिंदु लगा हुआ है कि इसका तत्सम होगा अंगुली, केवल बिंदी रहेगी। अगला उदाहरण उजाला, उजाला का उज्ज्वल, यहाँ उज्ज्वल तत्सम शब्द होगा और इसमें दोनों आधा जा रहेंगे, ये ध्यान देने की वाली बात है, लोग यहाँ पे गलतियां करते हैं। वर्तनीय शुद्धियों में भी ये पूछा जाता है उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है, वर्तनीय शुद्धियों में ये निरंतर परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो इसका उजाला का तत्सम उज्ज्वल, दोनों आधा जा रहेगा। अगला किवाड़, किवाड़ का तत्सम होगा कपाड़। अगला कचहरी, कचहरी का तत्सम कृत्य ग्रह। अगला कबूतर, कबूतर का तत्सम होगा कपोत। अगला केवट, केवट का तत्सम कैवर्त। अगला कपड़ा, कपड़ा का तत्सम करपट होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला खाट, खाट का तत्सम खट्टवा, ये भी बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला खंडहर, खंडहर का तत्सम होगा खंड ग्रह, यहाँ खंडहर में चंद्रबिंदु लगा हुआ है और खंड ग्रह में एक केवल बिंदी रहेगी, ये तत्सम शब्द है खंड ग्रह। खीर, खीर का तत्सम क्षीर अर्थात छत्री वाला अक्षर, हमने बताया छत्री वाला अक्षर तत्सम शब्द है और इसको अपनी मुख्य सुविधा के अनुसार लोग खा में प्रयुक्त कर दिए, उसको खीर बोलने लगे। अगला उदाहरण गेहूं, गेहूं में चंद्रबिंदु लगा हुआ है तो ये तद्भव है और इसका तत्सम होगा गोधूम। अगला चाम, चाम का तत्सम चर्म होता है। अगला चांदनी, इसका तत्सम चंद्रिका होगा, फिर यहां देखिए ध्यान दीजिए चंद्रबिंदु लगा हुआ है चांदनी में तो वो तद्भव और जब एक बिंदी लगी हो तो वो तत्सम शब्द हो जाएगा, तो चंद्रिका में सिर्फ एक बिंदी लगी है इसलिए ये तत्सम शब्द है। अगला जामुन, जामुन का जम्बुल तत्सम होगा। अगला उदाहरण तीखा, बहुत महत्वपूर्ण है तीखा, तीखा का तत्सम होगा तीक्ष्ण। एक बात और यहाँ पर बताने योग्य है, जो अड़ा होता है ये संस्कृत का वर्ण है, तो जहां पर ये अड़ा आपको दिखाई दे, तीक्ष्ण में जो अड़ा लगा है, नारायण में जो अड़ा लगा हुआ है, तो ये अड़ा जिन शब्दों में लगे होंगे तो वो संस्कृत का ही शब्द है और हूबहू हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं, तो वो तत्सम शब्द होंगे, ये आंख बंद करके आप लगा दीजिए। तो तीखा का तीक्ष्ण, इसी तरह से तीता, तीता का तीप्त होता है तत्सम। अगला दही, दही का तत्सम दध होता है। अगला दूल्हा, दूल्हा का दुर्लभ, बहुत लोग खोजते हैं दूल्हा, खोजने के चक्कर में लोगों की चप्पलें घिस जाती हैं, तो बड़ी मुश्किल से दूल्हा अर्थात वर
मिल पाता है। माता पिता अपनी बेटियों के लिए जब दूल्हा खोजने जाते हैं तो वो केवल वही जानते हैं कि किस तरह से दूल्हा उनको मिलता है। तो उसका जो तस्सम होगा दुर्लभ, क्योंकि बहुत ही दुर्लभ वस्तु है, वो बहुत मुश्किल से प्राप्त होती है। तो दूल्हा का तस्सम दुर्लभ। अगला देवर, देवर का तत्सम दुईवर। अगला नारियल, नारियल का तत्सम नारिकेल होता है। अगला पलंग, पलंग का तत्सम पर्यंक होता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। पसीना, पसीना का तत्सम प्रस्विन्न। अगला फूल, फूल का तत्सम फुल होता है। अगला बायां, बायां का तत्सम होगा वाम। एक बात यहां पर बताने योग्य है, वो तत्सम में जो वा होता है वो तद्भव में बा में परिवर्तित हो जाता है। तो जहां भी वा आए तत्सम में और पूछा जाए कि इसका तद्भव क्या होगा, तो सीधे सीधे जिन विकल्पों में बा लगा हो वो मान लीजिए कि ये तद्भव होगा। तो वाम तत्सम शब्द है और बायां ये तद्भव शब्द है। अगला बेल, बेल का बिल्व। अगला भतीज, भतीज का तत्सम भ्रातृव्य होता है। अगला भीतर, भीतर का तत्सम आभ्यंतर होता है। अगला मक्खी, खा आया, खा यहां छत्ती वाले छा में तत्सम के रूप में होगा, तो मक्खी का मक्षिका तत्सम होगा। अगला ससुर, ससुर का तत्सम ससुर होता है। अगला सुई, सुई का तत्सम होगा सूची या सूचिका, ये दोनों प्रयुक्त होते हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण हमने आपको बताए। तो ये यदि आप एक बार वीडियो देख लेंगे तो आपको भूलेगा नहीं, और जो भी परीक्षाएं आई होंगी हिंदी से संबंधित प्रश्न होंगे उसमें तद्भव और तत्सम अवश्य पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न आपको आप सफलता दिलाएंगे, आपके प्रश्न गलत नहीं होने पाएंगे। तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, और ताकि आपको हमारे वीडियो जो भी हम बनाएंगे अपने आप मिल जाएंगे। धन्यवाद।